आज हम आपको स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि यूक्रेन को एलन मास्क ने दिया ऑन इट्स डिमांड, क्योंकि जो रशियन सेना थी उसने उसका सारा इंटरनेट सिस्टम गड़बड़ कर दिया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो एलन मास्क इज डिलीवरिंग ऑन हिज पब्लिक प्रॉमिस टू ब्रिंग स्पेस एक्स स्टारलिंक टर्मिनल टू यूक्रेन to help him. Now, after promising as such on Twitter, SpaceX CEO Elon Musk has provided Ukraine with the internet connectivity through the company Starlink satellite. अब ये Starlink satellite है क्यों ये सारा system destroy होने के बाद भी काम कर रही है, इसको आगे हम अच्छे से आपको बताएंगे। लेकिन ये इन्होंने दिया क्यों, जब माइकेलो फेदोरिवो यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड कंट्री मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्म हू मेड द ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑफ मस्क एलन मस्क से फेदोरोव ने कहा, तो वहाँ के वाइस प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारा इंटरनेट सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो आप अपने स्टारलिंक को दीजिए। स्पेस स्टारलिंक को उन्होंने दिया। हाउ स्पेस Starlink broadband service is helping Ukraine in its conflict with Russia. रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने पर कैसे वो Starlink काम कर रहा है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। Starlink provides broadband internet service in remote area that are not feasible or easy to reach with a terrestrial network like fiber optic cables. अगर फाइबर ऑप्टिक केबल वाला इंटरनेट होता तो वहाँ तक ये फैसिलिटी एलन मस्क नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि ये इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू है ब्रॉडबैंड, तो ये इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है सैटेलाइट के थ्रू। एनेबल द सैटेलाइट टू ऑपरेट विदाउट सेंडिंग डेटा बैक टू द ग्राउंड स्टेशन। इन्होंने सैटेलाइट के थ्रू इनको डेटा को भेजा, इंटरनेट प्रोवाइड किया। व्हाइल मोस्ट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टुडे कम फ्रॉम सिंगल जियो stationary satellite that orbit the planet at the about 35000 kilometer, Starlink is the constellation of multiple satellites that orbit the planet much closer to Earth. लेकिन इनका Starlink क्या है, बहुत से satellite का collection है जो एक दूसरे से connected है और पृथ्वी से 550 किलोमीटर की दूरी पर कवरेज पर काम करता है, और सारे सैटेलाइट जो हैं पुराने वो 35,000 किलोमीटर दूर हैं। तो बट नेचुरल है कि जब ये अर्थ के ज़्यादा पास है तो वो ज़्यादा अच्छे से कवरेज देगा। सिंस स्टारलिंक सैटेलाइट आर इन लो ऑर्बिट द ऑर्डर द राउंड ट्रिप डेटा टाइम बिटवीन द यूजर एंड द सैटेलाइट इज लो। तो क्योंकि जब पास है तो ज़्यादा अराउंड जल्दी जल्दी डेटा उसमें से आता है, ऑल्सो नोन एज लिटेंसी। तो राउंड ट्रिप डेटा टाइम को क्या कहते हैं, लिटेंसी कहते हैं। इज मच लोअर देन विद अ सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आपका ये राउंड ट्रिप जो है वो शॉर्ट है और इंटरनेट कनेक्शन के बनस्पत। Without the need of traditional ground infrastructure, Starlink can be deployed within minutes to support emergency response in disaster scenario. तो मुश्किल के समय में ये जल्दी आपको information provide करता है। तो इस तरह से वो यूक्रेन को satellite के through internet provide कर रहा है, और उनकी जो media की display थी TV पर वो सब connection उन्होंने जो काट दिया है रशिया ने, पानी बंद कर दिया है, बिजली बंद कर दिया है, सब वो नहीं कर पाए, और उनका ट्रांसपोर्टेशन अभी भी टीवी पे आ रहा है। सिंस स्पेस एक्स स्टारलिंक सर्विस डज नॉट रिक्वायर अ ग्राउंड स्टेशन टू बी एबल टू ट्रांसमिट डेटा विद इट्स यूजर, इट इज एन एडवांटेज इन द करेंट सिनेरियो टू ऑपरेट एन एट लोकेशन दैट आर सीन हैवी फाइटिंग। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़ाई होने के बावजूद भी आप उन्होंने डेटा सर्विस प्रोवाइड की स्टारलिंक,
इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया, जिससे उनका काम चल रहा है। स्टारलिंक ऑपरेट्स अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ मोर देन 2000 सैटेलाइट दैट एम टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस द प्लेनेट। तो इसमें देखिए इन्होंने 200 सैटेलाइट डाल रखी है। द कंपनी ऑन द फ्राइडे लॉन्च अ फर्दर 50 स्टारलिंक सैटेलाइट एंड मेनी मोर आर स्लेटेड टू बी पुट इन टू द अर्थ ऑर्बिट। और उन्होंने 10 घंटे में बोला कि और सैटेलाइट और डाल देंगे, और उन्होंने 50 स्टारलिंक और सैटेलाइट डाल दिए। तो इट इज़ अ वर्ल्ड मोस्ट एडवांस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम। स्टारलिंक क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम है। तो हम अब आपको स्टारलिंक के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टारलिंक इंटरनेट वर्क बाय सेंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द वैक्यूम ऑफ द स्पेस वेयर इट्स ट्रेवल मच फास्टर देन इन फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कैन रीच फॉर मोर पीपल एंड प्लेसेस। तो ये वैक्यूम स्पेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को भेजता है, तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल के बनस्पत ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन ज़्यादा तेजी से भेजता है। वाइल मोस्ट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टुडे कम फ्रॉम सिंगल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दैट ऑर्बिट द प्लैनेट एट अबाउट 35,000 किलोमीटर। स्टारलिंक इज अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट द प्लैनेट मच क्लोजर टू अर्थ एट अबाउट 550 किलोमीटर एंड कवर द एंटायर ग्लोब। जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये पृथ्वी से 550 किलोमीटर दूर है केवल, और सैटेलाइट जो है 35,000 किलोमीटर दूर है। बिकॉज स्टारलिंग सैटेलाइट आर इन लो ऑर्बिट द राउंड ट्रिप डेटा टाइम बिटवीन द यूजर एंड द सैटेलाइट इज लेस। अब ये काम कैसे करता है स्पेस एक्स स्टारलिंग सैटेलाइट इंटरनल, हाउ इट वर्क्स? लेस मास मोर कॉम्पैक्ट। ये जो सैटेलाइट है वो उसका जो है मिनिमम वॉल्यूम में कम मास में ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैनल पर डिज़ाइन किया गया है। ऑटोनॉमस कोलिजन अवॉइडेंस विथ डेबरीज एंड स्पेसक्राफ्ट, और डेबरीज जो ढेर सारे ऑर्बिट्स में होते हैं और स्पेसक्राफ्ट होते हैं, उनके कोलिजन से इसको बचाता है, तो ये जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। स्टार ट्रैकर्स बिल्ट नेविगेशन सेंसर सर्वे द स्टार टू डिटरमाइन ईच सैटेलाइट लोकेशन एटीट्यूड और ओरिएंटेशन एनेबलिंग प्रिसाइज प्लेसमेंट ऑफ ब्रॉडबैंड थ्रूपुट। तो ये सारी चीज़ें ये डिटेक्ट करता है। स्टार ट्रैकर इसमें पड़ा हुआ है जो कि लोकेशन अल्टीट्यूड ओरिएंटेशन आदि को डिटेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है और ब्रॉडबैंड के थ्रूपुट को प्लेस करता है प्रिसाइसली। ऑप्टिकल स्पेस लेजर टेस्टिंग, फुल्ली ऑपरेशनल ऑप्टिकल स्पेस लेजर ऑप्टिकल इंटरनेट सैटेलाइट लिंक which allow the spacecraft to transmit data without local ground station providing truly global coverage। और क्योंकि ग्राउंड स्टेशन पे चाहे उसकी फैसिलिटी हो या ना हो, उसको स्पेसक्राफ्ट को अलाउ करता है कि डेटा को ट्रांसमिट करे और ग्लोबली कवरेज करता है और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल इंटरनेट सैटेलाइट लिंक के थ्रू। एंटीनाज ईच स्टारलिंक सैटेलाइट हैज 4 पावरफुल फेज्ड एरे एंटीना एंड 2 पैराबोलिक एंटीना टू प्रोवाइड इंक्रीज कैपेसिटी। अब इसमें 4 तो सैटेलाइट एंटीना लगे हैं और 2 पैराबोलिक एंटीना लगे हैं जो कि आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। आईओएन प्रोपल्शन सिस्टम एफिशिएंट आईओएन thrusters provide by a krypton enable starlink satellite to orbit raise maneuver in space and deorbit at the end of their useful life. Starlink is the first krypton parallel spacecraft ever flown। to ye sabse pehla starlink hai jo first krypton parallel spacecraft hai jo ki ऑर्बिट में घूम रहा है और आपके क्रिप्टॉन एनेबल स्टारलिंक सैटेलाइट को ऑर्बिट में घूमकर वहां से आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। सिंगुलर सोलर एरे, अब इसमें एक ही
एरे है। स्टारलिंक सैटेलाइट फीचर सिंगल सोलर एरे सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई द सिस्टम सोलर सेल आर स्टैंडर्डाइज एंड ईजी टू इंटीग्रेट इन टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये कुछ टेक्निकल उनका है कि सोलर एरे उसमें है और इसके स्टैंडर्डाइज है जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में लगता है और अच्छे वर्क के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। तो इस तरह से इसमें इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं और जो वहाँ पे सैटेलाइट पे इम्प्लीमेंट है वहाँ पे ये सारी चीज़ डिटेक्ट करके अपने को बचाती भी है, जिससे आपको स्मूदली सारी इंफॉर्मेशन देती है। सो प्लीज़ वॉच वीडियो, आस्क इन कमेंट योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई पोर्शन नहीं समझ में आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू।